नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है सोशल मीडिया दिवस, जानिए क्यों मनाया जाता है। मधुमक्खी पालन और मशरूम उगाने को नीतीश सरकार देगी अनुदान। डोमिसाइल पॉलिसी पर अभ्यर्थियों द्वारा सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। बिहार के बच्चों ने इस मामले में कई राज्यों को छोड़ा पीछे। सरफराज खान के भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं होने पर बढ़ रहा विवाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 236 करोड़ रुपए के निवेश से खुलेंगे पेपर मिल व टेक्सटाइल्स यूनिट। प्रदेश के 10 औद्योगिक क्षेत्रों के 12 इकाइयों में 13.86 एकड़ से अधिक जमीन आवंटित कर कुल 236 करोड़ रुपए के निवेश से पेपर मिल और टेक्सटाइल्स यूनिट खोला जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा निवेश पेपर मिल स्थापित करने में किया जाएगा। मालूम हो कि अधिकतर निवेश मुजफ्फरपुर, पटना और गया जिलों के बियाडा क्षेत्र में प्रस्तावित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक की अध्यक्षता में बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी के द्वारा जमीन आवंटित कर दिया गया है। मालूम हो कि अब तक प्रदेश में टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी के तहत 311.63 करोड़ रुपए की निवेश प्रक्रिया जारी है। आज है सोशल मीडिया दिवस, जानिए क्यों मनाया जाता है। आज यानी कि 30 जून को दुनिया भर में सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। बता दें कि सोशल मीडिया दिवस के रूप में वर्ष 2010 में सोशल मीडिया कंपनी मैसबेल के द्वारा स्थापित किया गया था। तब से ही यह दिन पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 में सोशल मीडिया दिवस का थीम यूनाइटिंग द डिजिटल वर्ल्ड रखा गया है। मालूम हो कि आज के दौर में सोशल मीडिया ने काफी कुछ चीजों को सरल बना दिया है। आज हम अपनी बातों को न केवल अपने दोस्तों या अपने परिवारों के साथ बल्कि बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डोमिसाइल पॉलिसी पर अभ्यर्थियों द्वारा सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बनाए गए शिक्षक नियमावली 2023 में बार बार हो रहे संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच सरकार के प्रति आक्रोश का माहौल है। वहीं हाल ही में सरकार के द्वारा डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म करने को लेकर छात्रों के बीच आक्रोश बढ़ गया है। बता दें कि सरकार की ओर से नियमावली में किए गए बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा डोमिसाइल पॉलिसी को वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसके बाद अब शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अब सभी शिक्षक अभ्यर्थी 1 जुलाई से सड़कों पर उतरकर सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे। मधुमक्खी पालन और मशरूम उगाने को नीतीश सरकार देगी अनुदान। राज्य के 20 जिलों के 101 प्रखंडों के पैक्सों में कृषक उत्पादक संगठन यानी कि FPO गठन किया जाएगा, ताकि बिहार में अब पैक्सों में भी मधुमक्खी पालन हो सके और साथ ही मशरूम भी उगाए जा सके। इतना ही नहीं, यहां अनाज प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियां भी होंगी। बता दें कि इसके लिए राज्य स्तर पर चयन समिति बना ली गई है और साथ ही सहकारिता विभाग के द्वारा संबंधित जिलों के सहकारिता पदाधिकारियों से कह दिया गया है इच्छुक और योग्य पैक्सों से इस संबंध में प्रस्ताव भिजवाएं। मालूम हो कि FPO के गठन के बाद सरकार की ओर से पैक्सों को आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद करेगी। बता दें कि प्रबंधन के लिए 3 साल में 18 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक साल 6-6 लाख का अनुदान मिलेगा। इस राशि से पैक्स एक अकाउंटेंट और एक मैनेजर रख सकेंगे। वहीं सबके अलावा सरकार की ओर से इक्विटी फंड के रूप में 15 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। शिक्षक भर्ती नियमावली पर गुरु रहमान का बयान। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सरकार के द्वारा डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म किया जाने पर शिक्षाविद गुरु रहमान के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली के नियमावली में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, उससे शिक्षक अभ्यर्थियों से अधिक तैयारी कराने वाले परेशान हैं और कन्फ्यूज हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि यह बहाली बिना तैयारी के निकाल दी गई है। बहाली प्रक्रिया के शुरू होने से यहाँ के बेरोजगार अभ्यर्थियों की आशा जगी कि 1.70 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। ऐसे में उनके क्वालिफाई करने के चांस ज्यादा है, लेकिन अब यह पूरे देश भर के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके कारण अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनकी सीटों पर दूसरे राज्य के छात्र कब्जा जमा लेंगे और वे बेरोजगार ही रह जाएंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इस बार वैकेंसी में डोमिसाइल नीति लागू रहने दे, क्योंकि 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई बार सड़क पर लाठियां खाई है। बिहार में उद्योग का भी माहौल नहीं है, बेरोजगार युवाओं की संख्या भी अधिक है। ऐसे में बिहार में रोजगार के क्षेत्र में बिहारियों को पहले सरकार को एडजस्ट करना चाहिए।
बिहार में डेंगू का डर, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। एक तरफ जहां बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब डेंगू ने भी दस्तक दे दिया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में झमाझम बारिश के बीच डेंगू के मामले आने भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि खबर लिखे जाने तक पटना में डेंगू के कुल 6 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें और पानी का जमाव ना होने दें। इसके साथ ही ऐसे कपड़े पहने जिसमें शरीर पूरी तरह ढका हो, दिन में भी मच्छरों का क्रीम लगाएं। वहीं अगर हम डेंगू के लक्षण की बात करें तो त्वचा पर चकत्ते का निशान, तेज सिरदर्द होना, पीठ में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, तेज बुखार होना, मसूड़ों से खून बहना, नाक से खून बहना, जोड़ों में दर्द होना और उल्टी और डायरिया शामिल है। बिहार के बच्चों ने इस मामले में कई राज्यों को छोड़ा पीछे। जोसा की ओर से देश भर के 23 IIT, 32 NIT, 26 IIIT सहित अन्य 38 फंडेड इंस्टीट्यूट की 57,152 सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में देश भर से कुल 215,917 छात्र छात्राओं के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसमें लड़कियों की संख्या 52,170 और लड़कों की संख्या 63,744 थी। वहीं थर्ड जेंडर के 3 अभ्यर्थी शामिल थे, लेकिन इन सब में बिहार से कुल 14,955 छात्र छात्राओं के द्वारा रजिस्ट्रेशन गया है, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व दिल्ली के छात्र छात्राओं द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन से अधिक है। मार्मों के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने की सूची में पूरे देश में बिहार 5वें नंबर पर है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर DRM ने लिया जायजा। बिहार के भागलपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर मालदा डिवीजन रेल प्रशासन के द्वारा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानगंज स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 माह तक नियमित रूप से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव होगा। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला ट्रेन को नियमित ट्रेन बनाकर रोज चलाया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। मुख्यालय की ओर से स्वीकृति मिलते ही मेला स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से देवगढ़ जसीडीह के लिए परिचालन की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशन पर यात्रियों को ठहरने के लिए मेला सेट का निर्माण किया जाएगा। कमरों की सुरक्षा को लेकर स्टेशन पर RPF और RPSF का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य 1 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएं। फेसबुक पोस्ट से चर्चा में आए SP विनय तिवारी। बिहार के समस्तीपुर के SP विनय तिवारी इन दिनों अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने समस्तीपुर और यहां के युवाओं के लिए काफी कुछ कहा है, जो कि लोगों का मन मोह लिया है। बता दें कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अतीत में व्यतीत अल्प अवधि में ही समस्तीपुर की भूमि, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति का थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास भी किया हूँ। जो भी समझ आया उससे यह तो स्पष्ट है कि समस्तीपुर अनंत ऊर्जा से संरक्षित प्रबुद्ध धरती है। यहाँ की योग्यता और क्षमता सीमा रहित है। हर वर्ष IIT, UPSC, NEET जैसी परीक्षाओं में अपना लोहा मनवाते छात्र समस्तीपुर की योग्यता के परिचायक है। तो यहाँ के कृषि उद्यमी नित प्रतिदिन यहाँ की उपजाऊ मृदा से कृषि चमत्कार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई और बातें भी लिखी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। जलस्तर बढ़ने से सोन नदी में फंसी 30 से ज्यादा ट्रकें। कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे कि बिहार के रोहतास जिले के इंद्रपुरी OP थाना क्षेत्र में सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद कटार स्थित बालू घाट के निकट बालू की निकासी के लिए गए 30 से अधिक ट्रक फंस गई है। दरअसल इस इलाके में अचानक पानी भर आया, जिस वजह से ये ट्रकें सोन नदी के बीच में फंस गई, जिसे निकालना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अगर पानी की मात्रा और बढ़ती है तो सभी ट्रक जल समाधि ले लेंगे। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार वाहनों के निकालने के चक्कर में JCB तथा पोकलेन मशीनें भी फंस गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज रात 12 बजे से राज्य के तमाम बालू घाट 4 माह के लिए बंद हो रहे हैं। ऐसे में बालू खनन का काम भी 4 माह के लिए रुक जाएगा। बिहार की राजधानी में बढ़ी जमीन फ्लैट की खरीद बिक्री। बिहार की राजधानी पटना जिले के कई हिस्सों में जमीन फ्लैट की खरीद बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें दानापुर, फुलवारी शरीफ, संपतचक और बीटा जैसे इलाके शामिल हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से जमीन की खरीद बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही जिले में पिछले साल की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल व मई में 35 लाख अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मालूम हो कि राजस्व प्राप्ति में पटना सदर पहले स्थान पर है, जहां जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री से 76.31 करोड़ राशि मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर दानापुर है, जहां 27.88 करोड़ राजस्व मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर 16.98 करोड़ राजस्व के साथ फुलवारी शरीफ रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 महीने में जिले में 18,598 रजिस्ट्री करवाई गई है, जिससे कुल 184.74 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुए हैं।
सीएम नीतीश ने जेडीयू विधायकों और विधान पार्षदों को मिलने बुलाया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इसी के तहत आज सीएम नीतीश ने जेडीयू विधायक और विधान पार्षदों को मिलने के लिए आवाज बुलाया, जहां वे सभी विधायकों और विधान पार्षदों से मिलकर उनका हाल जानेंगे। मालूम हो कि वे सभी से बारी बारी मिल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को सीएम नीतीश मिलने के लिए शालिनी मिश्रा और अजय चौधरी भी पहुंचे थे और उनसे बातचीत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों से मिलकर विकास कार्यों और जनता से मिले फीडबैक की जानकारी लेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इस वजह से टाली पदयात्रा। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा आज यानी कि 30 जून से पदयात्रा की शुरुआत की जाने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आनंद मोहन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 23 नवंबर को रैली करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए वे 15 से 26 सितंबर के बीच बिहार, यूपी और झारखंड में बैठक करेंगे। इसी सिलसिले में वे वर्षा के बाद 4 पदयात्रा भी करेंगे, जिसकी तिथि फिलहाल तय नहीं की गई है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पदयात्रा 15 सितंबर के बाद शुरू हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद मोहन की पहली पदयात्रा पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से शुरू की जाएगी, जो कि जुब्बा सहनी पार्क मुजफ्फरपुर में समाप्त होगी। वहीं दूसरी पदयात्रा रुई धानसा मैदान कृष्णगंज से लोहिया पार्क दरभंगा तक होगी। तीसरी पदयात्रा किला मैदान बक्सर से पटना के बीटा तथा चौथी और आखिरी पदयात्रा नालंदा से पटना गांधी मैदान तक होनी है। सरफराज खान के भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं होने पर बढ़ रहा विवाद। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में सरफराज खान को नहीं चुने जाने के कारण विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हाल ही में पीटीआई की एक रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई थी कि सरफराज खान को फिटनेस स्तर व मैदान के बाहर खराब व्यवहार के कारण राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली है। ऐसे में इस बयान पर बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता सबा करीम के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पोर्ट्स कीड़ा से बातचीत करते हुए कहा गया कि मैंने सरफराज खान से बातचीत की और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अगर अनुशासनात्मक मामला है तो वो मुंबई के लिए रूप से कैसे खेल रहा है। हमने मुंबई के कोच, कप्तान या प्रबंधन से सरफराज खान के बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है। मेरे ख्याल से प्रबंधन और कोच का काम है कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो वो क्रिकेटर्स को संभाले। मेरे ख्याल से चयन नहीं करने के लिए यह बेतुका बयान दिया गया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 107.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, रत्नेश कुमार, रोशन कंचन कुमारी, दीपक, मृत्युंजय कुमार, कबीर आलम, मुटुर रंगीला, संजीत कुमार, सुमन, गजेंद्र कुमार, श्रवण कुमार, के सिन्हा, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, नौशद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में सरफराज खान को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।